हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कलकत्ता ग्रुप की शुरुआत की थी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कलकत्ता ग्रुप के कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं गोपाल घोष, ठीक है। तो ये किस ग्रुप के कलाकार हैं? ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म हुआ है 5 दिसंबर। कब? 5 दिसंबर 1913 को। 1913 को कहाँ पर? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, ठीक। कहाँ पर? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। इनका आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ है? तो 5 दिसंबर को सन 1913 में। कहाँ पर? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु। मृत्यु हुई है 30 जुलाई 1980 को। कब हुई? 30 जुलाई 1980 को, ठीक। चलिए 30 जुलाई को कब? 1980 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी शिक्षा। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है 1935 में। 1935 में जयपुर कला विद्यालय से। जयपुर कला विद्यालय से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया, ठीक है। पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। चलिए इसको समझ लेंगे। तो इनकी शिक्षा 1935 में इन्होंने क्या किया है? जयपुर कला विद्यालय जो था, वहाँ से इन्होंने क्या प्राप्त किया? डिप्लोमा प्राप्त किया, ठीक। पेंटिंग में, किसमें? पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए तब इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? मद्रास कला विद्यालय में। कहाँ पर? मद्रास कला विद्यालय में। मद्रास कला विद्यालय में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में। किसके? देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में। मैं कला की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। किसकी? कला की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। प्राप्त की, तो सबसे पहले इन्होंने किससे, कहाँ प्राप्त की थी? जयपुर कला विद्यालय में। कब? 1935 में। तो क्या प्राप्त किया था? पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक। उसके पश्चात कहाँ? मद्रास कला विद्यालय। और मद्रास कला विद्यालय की बात आ जाए तो कौन आएंगे आपके? देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में किसकी शिक्षा? कला की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? गोपाल घोष ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय प्राकृतिक, भारतीय प्राकृतिक दृश्य चित्रण, भारतीय प्राकृतिक दृश्य चित्रण का जन्मदाता, का जन्मदाता किसको माना जाता है? गोपाल घोष को माना जाता है, ठीक है। किसको? गोपाल घोष को माना जाता है, घोष को माना जाता है। किसका जनक इनको माने, किसका जन्मदाता माना जाता है? तो भारतीय प्राकृतिक दृश्य चित्रण का जन्मदाता किसको माना जाता है? गोपाल घोष को माना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
गोपाल घोष को कलकत्ता ग्रुप का बोहीमियन कलाकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पहले लिखिए फिर समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1948 से लेकर 1954 ईस्वी तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट गोपाल घोष ने कला शिक्षक रहे, क्या रहे, कला शिक्षक रहे। ठीक है, चलिए चलिए इन पॉइंट्स को समझ लेंगे। गोपाल घोष को किसका, कलकत्ता ग्रुप का, ठीक है, क्या माना जाता है, बोहीमियन कलाकार कहा जाता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता ग्रुप का बोहीमियन कलाकार किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे गोपाल घोष को। किसको, गोपाल घोष को। ठीक है, 1948 से लेकर 54 तक, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में गोपाल घोष क्या रहे थे, कला शिक्षक रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है गोपाल घोष शिक्षक रहे हैं कहाँ पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में, कब से कब तक, तो 1948 से लेकर 1954 तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। गोपाल घोष के चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, यथार्थवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, किसका, यथार्थवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता गोपाल घोष माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गोपाल घोष माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्परा पद्धति से बना चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षित है। चलिए इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं।
गोपाल घोष के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो यथार्थवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है गोपाल घोष के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक, भारत में आधुनिक, कहाँ पर? भारत में किसके? आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता किसको माना जाता है? गोपाल घोष को माना जा जाता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो गोपाल घोष है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए, किसको माना जाता है? गोपाल घोष को माना जाता है। ठीक, डॉन ये इनका चित्र है, किसका? गोपाल घोष का। ठीक है, डॉन ये किस पद्धति से बनाया गया? ये टेम्परा पद्धति से बनाया गया। ठीक, ये चित्र किस पद्धति से बनाया? टेम्परा पद्धति से बनाया। ठीक, और ये है कहाँ? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो इनका यह चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। और यह चित्र किस पद्धति से बनाया गया? तो यह चित्र बनाया गया टेम्परा पद्धति से। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।